आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान खबरें सबसे तेज। आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे। सरकार का बड़ा फैसला, 31 मार्च तक जारी रहेगी कोविड गाइडलाइन। गृह मंत्रालय ने जारी किए हैं आदेश, क्या कुछ दिए हैं आदेश बात करेंगे इस अपडेट में। साथ ही योगी सरकार का बड़ा फैसला, प्रतिभावान बेटियों के नाम होगा गांव का एक तालाब, इस खबर के बारे में करेंगे बात। साथ ही प्राइवेट सेक्टर बिजनेस को बढ़ावा देगी सरकार, प्राइवेट सेक्टर के लिए क्या कुछ पीएम मोदी ने की है घोषणाएं बताएंगे इस अपडेट में। साथ ही व्हाट्सएप यूजर्स के लिए बुरी खबर है, सरकार की नई गाइडलाइन के कारण भारत में बंद हो जाएगा व्हाट्सएप, क्या कुछ यहाँ पर खबरें आ रही है मीडिया में, इस खबर के बारे में करेंगे बात। साथ ही यहाँ पर योगी सरकार का नया कानून, अब मनमर्जी से किराया नहीं वसूल सकेंगे मकान मालिक, अगर वसूल किया किराया तो होगी जेल, इस खबर के बारे में करेंगे बात। साथ ही यहाँ पर जियो यूजर्स के लिए खुशखबरी, अब 2 साल तक फ्री मिलेगा अनलिमिटेड डेटा और कॉलिंग की सुविधा, जियो के नए फोन पर क्या कुछ मिलेगी सुविधा, इस खबर के बारे में करेंगे बात। साथ ही यहाँ पर फोन पर बात करने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है, अब बिना मोबाइल सिग्नल के भी होगी बात, इस कंपनी ने की है इस की शुरुआत, कौन सी कंपनी ने की है शुरुआत, इस खबर के बारे में करेंगे बात। साथ ही आज की तमाम काम की और बड़ी खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करें आज की पहली बड़ी खबर की, तो 31 मार्च तक जारी रहेगी कोविड गाइडलाइन। गृह मंत्रालय ने जारी किए हैं आदेश, कोरोना वायरस को लेकर सरकार अलर्ट मोड पर है। शुक्रवार को गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर मौजूदा गाइडलाइन को आगामी 31 मार्च तक बढ़ाने का आदेश दिया है। साथ ही गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीकाकरण की रफ्तार को बढ़ाने का आदेश भी दिया है। लगातार कम हो रहे कोविड-19 मामलों के बीते दिनों में कुछ यहाँ पर इजाफा देखा गया, वही केरल महाराष्ट्र के अलावा कई राज्यों में कोरोना के मामलों में इजाफा हुआ है। वही शुक्रवार को सरकार ने निगरानी और कंटेनमेंट और सावधानी को लेकर पहले से लागू गाइडलाइन को बढ़ाने का आदेश दिया है। ये गाइडलाइन अब 21 मार्च तक जारी रहेगी, इस संबंध में गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर दिया है। वही सरकार बढ़ते मामलों के बीच राज्य सरकारों को भी यहाँ पर सलाह दे रही है। सरकार ने कहा है कि गिरते मामलों के बीच हमें निगरानी और कंटेनमेंट यहाँ पर बनाए रखने की जरूरत है। वही समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक गृह मंत्रालय ने कहा है कि जब एक्टिव और नए कोविड-19 मामलों में गिरावट जा रही है, तो निगरानी और कंटेनमेंट बनाए रखने की जरूरत है। सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लक्षित आबादी को दिए जा रहे टीके लगाने की प्रक्रिया को तेज करने की सलाह दी है। देश में बीते 16 जनवरी से दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण भारत में शुरू हो गया था। वही सरकार ने पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को सरकार यहाँ पर टीका दे रही है। इसके अलावा बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों के बीच देश में नए स्ट्रेन का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। रिपोर्ट बताती है कि देश के 18 राज्यों में ब्रिटेन और अफ्रीका और ब्राजील में मिले कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन यहां पर पाए गए हैं। केंद्र सरकार इन सभी राज्यों की निगरानी कर रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी है कि 184 लोगों में से 183 लोग ब्रिटेन का कोरोना स्ट्रेन में मिला है। बात करें अगली बड़ी खबर की, तो सरकार की नई गाइडलाइन के कारण भारत में बैन हो सकता है व्हाट्सएप। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सोशल मीडिया के लिए नई गाइडलाइंस उन्होंने जारी की। सरकार ने 10 टॉप गाइडलाइन जारी की है, जिसमें एक गाइडलाइन के कारण भारत में व्हाट्सएप के बंद होने का खतरा पैदा हो गया है। सोशल मीडिया पर किसी ने कोई मैसेज डाला तो वह मैसेज डालने वाला व्यक्ति कौन है इसका पता लगाना, कंपनी को पता लगाना है, ऐसा केंद्र सरकार को कहना है, जबकि व्हाट्सएप का कहना है कि ये नियम के बाहर है, इसलिए कंपनी ऐसा नहीं कर सकती। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कई पॉइंट गिनाए, जिसमें एक ये भी है कि कोई सोशल मीडिया पर अगर गलत मैसेज फैला रहा है या गड़बड़ी कर रहा है, तो कंपनी को यहाँ पर ओरिजिन यानी खुरापात किसने चालू किए उसका नाम यहाँ पर बताना होगा। लेकिन व्हाट्सएप का कहना है कि कंपनी ऐसा नहीं कर सकती। इससे पहले भी व्हाट्सएप ने कहा था कि कंपनी एंड टू एंड एक्शन की वजह से ये पता नहीं लगा सकती है कि मैसेज किसने और कहाँ भेजा है। आपको बता दें कि सरकार की तरफ से ऐसी मांग इससे पहले भी कई बार की गई थी, लेकिन इस बारे में यहाँ पर इस बार ये मांग नहीं बल्कि गाइडलाइन है। इसलिए अगर व्हाट्सएप इस गाइडलाइन को मानने से मना कर देता है, तो ऐसे में व्हाट्सएप के बैन होने का सवाल यहाँ पर खड़ा हो सकता है। ये लोगों में अब एक चर्चा का विषय बन चुका है। वही व्हाट्सएप पर स्वामित्व रखने वाली कंपनी फेसबुक का सरकार की नई गाइडलाइन के बारे में कहना है कि वो भारत सरकार की नई गाइडलाइन का अध्ययन कर रहे हैं। फेसबुक ने भी ये कहा है कि हम यूजर्स की सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। मोदी सरकार को बड़ी राहत, कोरोना के बाद पहली बार पॉजिटिव में आई है देश की GDP। कोरोना संकट के बीच पहली बार मोदी सरकार के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। पिछले 2 तिमाही में नेगेटिव ग्रोथ के बाद पहली बार तीसरी तिमाही में देश की GDP पॉजिटिव में आई है। वही चालू वित्त वर्ष में तीसरी तिमाही यानी दिसंबर तिमाही में GDP ग्रोथ 0.4% रही है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO ने चालू वित्त वर्ष की अक्टूबर दिसंबर की तिमाही की सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP ग्रोथ का अनुमान यहाँ पर जारी किया है। साल दर साल के आधार पर तीसरी तिमाही में GDP ग्रोथ 4.1% से घटकर 0.4% रही है।
आपको बता दूं कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही यानी अप्रैल जून तिमाही में जीडीपी 23.9% की ऐतिहासिक गिरावट इसमें दर्ज की गई थी। दूसरी तिमाही में उम्मीद से बेहतर सुधार हुआ। वही जुलाई सितंबर तिमाही में जीडीपी में गिरावट घटकर 7.5% रही है। कोविड-19 की स्थिति में तेजी से सुधार आने और लोगों के खर्च के मामले में तेजी से बढ़ोतरी होने के ऐसे दो ये कारक रहे हैं जो यहाँ पर दिसंबर तिमाही के लिए बेहतर रहे हैं। तीसरी तिमाही में जीडीपी के आंकड़ों से अब संकेत मिल रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था में अब तेजी आ रही है। बात करें अगली बड़ी खबर की तो पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बड़ा ऐलान, भारत में जल्द कम होंगे पेट्रोल डीजल के दाम। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुक्रवार को कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी होने का असर भारतीय उपभोक्ताओं पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा है कि सर्दियां खत्म होती तेल की कीमतों में कमी आएगी। वहीं धर्मेंद्र प्रधान ने आगे कहा है कि देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के पीछे अंतर्राष्ट्रीय कारण है। मांग बढ़ने के कारण दाम ऊंचे है, वही सर्दियों में अक्सर ऐसा होता है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही इसकी कीमतें कम होगी पेट्रोल और डीजल की। इससे पहले शुक्रवार को आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा था कि ईंधन के दाम में लागत बढ़ाने वाले कारक है। इस मामले में केंद्र और राज्यों को मिलकर ईंधन के दामों को कम करने की यहाँ पर दोनों को मिलकर कम करना होगा। राजस्थान बोर्ड ने कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा कर दी है। बोर्ड की परीक्षाएं 6 मई को शुरू होगी। वहीं परीक्षाओं का आयोजन की शिफ्ट सूबे की रखी गई है, जहां 10वीं की परीक्षाएं 25 मई को समाप्त होगी, वहीं 12वीं की परीक्षाएं 29 मई को समाप्त होगी। वहीं बोर्ड परीक्षाओं में इस साल 20 लाख से अधिक छात्र राजस्थान की बोर्ड परीक्षाओं में बैठेंगे। वहीं कोरोना वायरस महामारी के कारण बोर्ड ने परीक्षाओं के लिए आवेदन हेतु छात्रों को अधिक इस बार मौके दिए थे। वहीं आमतौर पर राजस्थान बोर्ड की परीक्षाओं का आयोजन मार्च के पहले हफ्ते में होता है, लेकिन इस बार कोरोना वायरस महामारी के कारण परीक्षा देरी से आयोजित हो रही है। बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर डीपी जोरल का कहना है कि 6 मई को कक्षा 10वीं की पहली परीक्षा अंग्रेजी की होगी, जबकि 12वीं की पहली परीक्षा यहां पर दर्शन शास्त्र और पर्यावरण विज्ञान की होगी। वही बोर्ड ने आधिकारिक वेबसाइट पर तारीखों को यहां पर जारी किया है, टाइम टेबल इसमें जारी किया है। वही छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे वेबसाइट पर जाकर डेट शीट डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही परीक्षा से जुड़ी हर जानकारी वेबसाइट पर वो ले सकते हैं। वेबसाइट जो rajeducation.in है, इस वेबसाइट पर जाकर वो अपना जो टाइम टेबल है वो यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर बोर्ड परीक्षाओं के दौरान सभी दिशा निर्देशों का जो कोरोना प्रोटोकॉल है उनका यहाँ पर पालन किया जाएगा। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का भी पालन यहाँ पर किया जाना होगा। इसके लिए बोर्ड परीक्षा केंद्रों की संख्या राजस्थान में बढ़ाई गई है। वही बोर्ड ने जून के आखिर तक रिजल्ट जारी करने की यहां पर योजना बनाई है। अधिकारी ने कहा है कि बोर्ड संक्रमण के बचाव के लिए सभी तरह के नियमों का पालन यहां पर छात्रों से करवाएगा। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की तो योगेंद्र सरकार का बड़ा फैसला, प्रतिभावान बेटियों के नाम होगा गांव का एक तालाब। बालिकाओं में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने उनको प्रोत्साहित करने की दिशा में एक और बड़ा कदम उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उठाया है। बालिकाओं के नाम उनके गांव के अंदर यहां पर सड़क बनाने के बाद अब हर गांव में प्रतिभावान बेटी के नाम पर एक तालाब, यहां पर तालाब का भी नामकरण बेटी के नाम पर करने का निर्णय यहां पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वहद अभियान मिशन शक्ति को गति देते हुए राजस्व विभाग की ओर से दूसरे विभागों से समन्वय स्थापित करते हुए प्रदेश स्तर पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। वही महिला और बेटियों की सुरक्षा में स्वावलंबन के लिए यहाँ पर प्रतिबद्ध योगी सरकार की नीतियां और योजना का लाभ जमीनी स्तर पर उपलब्ध कराने के लिए विभाग की ओर से युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है, जिसके तहत राजस्व विभाग की ओर से 26 फरवरी से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जनपद स्तर पर यह कार्रवाई की जाएगी। अब बात करें अगली बड़ी खबर की तो जियो फोन यूजर्स के लिए खुशखबरी, अब 2 साल तक फ्री मिलेगा अनलिमिटेड डेटा और कॉलिंग की सुविधा। जियो फोन ने फीचर फोन के सेगमेंट में अपनी अलग यहां पर जगह बना दी है। देश को यहां पर 2G मुक्त बनाने के लिए जियो फोन यूजर्स के लिए एक खास ऑफर लेकर आया है। जियो का ये नया ऑफर उन लोगों के लिए है जो भी लोग फिलहाल 2G का इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन 4G में आना चाहते हैं। आपको बता दें कि जियो का ये नया ऑफर 1 मार्च 2021 से शुरू हो रहा है। ये ऑफर जियो फोन के साथ मिलेगा। वही नए यूजर्स को 1999 रुपये में जियो का फोन लेना होगा, यानी जियो के नए यूजर्स को 1999 रुपये वाला जियो फोन प्लान के अंतर्गत कंपनी 2 साल तक यहाँ पर फ्री कॉलिंग की सुविधा देगी। वही नए ऑफर के तहत आपको यहाँ पर 24 महीनों के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग और अनलिमिटेड डेटा 2GB हाई डेटा पर मतलब 1 महीने में 2GB डाटा आपको दिया जाएगा। खास बात यह है कि इस फोन को लेने के बाद ग्राहकों को 2 साल तक रिचार्ज करने की कोई जरूरत नहीं होगी। कंपनी का दावा है कि ग्राहकों को अन्य नेटवर्क पर इतनी सुविधा का लाभ उठाने के लिए उन्हें 2.5 गुना से ज्यादा रुपए यहाँ पर लोग खर्च करते हैं, जियो का ये कहना है। वही अगर कोई नया जियो यूजर्स यहाँ पर मतलब 1999 से कम का रिचार्ज कराना चाहता है तो वह 1499 रुपये का रिचार्ज करा सकता है। जियो फोन 2021 ऑफर के तहत यूजर्स को जियो फोन डिवाइस और 12 महीनों के लिए अनलिमिटेड सर्विस मिलेगी। वही 1499 रुपये खर्च कर यूजर्स अनलिमिटेड कॉलिंग और अनलिमिटेड डाटा यानी
2 GB हाई स्पीड डाटा हर महीने का फायदा वो इसके। चलिए बात करते हैं देश भर के कोरोना आंकड़ों की, तो लगातार दूसरे दिन 16,000 से ज्यादा नए केस भारत में कोरोना के हैं सामने। पिछले 24 घंटों में भारत में लगी है 8,00,000 लोगों को कोरोना की वैक्सीन। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में एक बार फिर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। लगातार दूसरे दिन भारत में 16,000 से ज्यादा कोरोना के नए केस सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 16,577 नए कोरोना के केस सामने आए हैं। वहीं 120 लोगों की इस दौरान 24 घंटों में मौत हुई है। हालांकि 12,179 लोग यहां पर कोरोना से ठीक भी हुए। अच्छी बात यह है कि बीते दिन कुछ राज्यों में कोरोना के कारण एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है। वहीं इससे पहले कल यहां पर कोरोना के मामले यहां पर 16,738 यहां पर कोरोना के मैच यहां पर जो मामले हैं वो भारत में सामने आए थे। वे स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 1,10,63,491 टोटल मामले हो गए हैं। 1,56,825 लोगों की कोरोना के कारण जान जा चुकी है। वही 1,07,50,780 लोग कोरोना को मात देकर ठीक हो चुके हैं। देश में अब तक कोरोना केसों की संख्या बढ़कर यहां पर कोरोना एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 1,55,000 के आसपास पहुंच गई है। इतने लोगों को विभिन्न स्तरों में इन लोगों का इलाज चल रहा है। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना का संकट कम नहीं हो रहा है। सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र से आ रहे हैं, सबसे ज्यादा मौतें भी यहां पर हो रही। लगातार दूसरे दिन कोरोना वायरस के 8,000 से अधिक मामले महाराष्ट्र में सामने आए हैं, जिससे राज्य में संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 21,29,821 पहुंच गई है। राज्य में यहां पर पिछले 24 घंटों में 8,702 नए कोरोना के मामले सामने हैं, जबकि कल यहां पर 8,807 मामले कोरोना के सामने आए थे। वही संक्रमण से पिछले 24 घंटों में 56 लोगों की महाराष्ट्र में मौत होने की खबर है। वही राज्य में मृतकों की संख्या बढ़कर 51,993 हो गई है। वही यहाँ पर 25 फरवरी तक देश भर में 1,34,75,743 स्वास्थ्य कर्मियों और कोरोना योद्धाओं को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। बीते दिन 8,01,480 लोगों को कोरोना का टीका भारत के अंदर लगाया गया है। वही एक दिन में अभी तक सबसे ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन लगने का यह सबसे बड़ी संख्या है, यानी ये एक रिकॉर्ड है। वही वैक्सीन की दूसरी खुराक देने का अभियान 13 फरवरी से यहां पर शुरू हुआ था। सरकार ने फैसला किया है कि 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को और किसी दूसरी गंभीर बीमारी से ग्रसित 45 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों को 1 मार्च से कोरोना का टीका लगाया जाएगा। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी का निशान दबाइए।